नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। लॉकडाउन के बाद राज्य में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में आई भारी कमी। मुंबई में लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या पर उठे सवाल। लॉकडाउन में थोक विक्रेताओं ने अल्फोंसो नहीं खरीदे तो किसानों ने बनाया नेटवर्क। एक किसान ने ही 1.5 लाख आम बेचकर 2 करोड़ कमाए। पुलिस इंस्पेक्टर ने परमबीर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कंप्लेंट दर्ज करवा FIR की मांग उठाई। पूर्व कमिश्नर के खिलाफ दूसरी शिकायत। रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 775 फ्री बेड की व्यवस्था करेगा। शिवसेना MLA ने रेमडेसिविर देने के लिए अपनी 90 लाख की FD तोड़ी। महाराष्ट्र से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।